बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन से दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। भले यूपी में चुनाव आने को अभी समय है, लेकिन हलचल अभी से शुरू हो गई है। सत्ता से दूर बैठी बसपा ने अभी से इस फासले को पाटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी सुगबुगाहट आज बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर मायावती आज मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। हमें इस बात का एहसास है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ेगी। मायावती ने ऐलान किया कि बसपा इन चारों राज्यों में भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। किसी भी पार्टी के साथ इन चार राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है। अब किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। इस दौरान मायावती कृषि कानून को लेकर भी हमलावर रहीं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए। जिन किसानों के इस आंदोलन में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों को उचित आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मायावती ने दावा किया कि केवल बसपा ने अपना सब कुछ दिया है ताकि दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का सम्मान हो सके। अब देखना होगा मायावती के इस दावे पर आने वाले चुनावी साल में जनता कितनी मोहर लगाती है।